हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको सिंड्रोम मतलब कि तारकाय के बारे में बताऊंगी। आपने एक वीडियो देखी होगी जो गॉल्जी बॉडी के बारे में बताया गया था, जो एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, मैंने आपको सेल की वीडियो बनाई थी। ठीक है, मतलब कोशिका के, तो उसमें जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनेल्स उसमें होते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको वीडियो बना दूंगी। तो चलिए आज मैं सेकेंड ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। फर्स्ट मैंने गॉल्जी बॉडी बनाई थी, सेकंड है हमारा सेंट्रोसोम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं तारकाय। तो चलिए देखते हैं गाइस तारकाय क्या है। देखिए, जैसा कि हमारा तारकाय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं गाइस? सेंट्रोसोम। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कि सेंट्रोसोम क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम हमारा जो होता है वो तंत्रिका कोशिका को छोड़कर सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे तारकाय या सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, कहने का यह तात्पर्य है गाइस कि जो हमारे सेंट्रोसोम या तारकाय होता है, ठीक है, वो तंत्रिका कोशिका को छोड़कर सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म की एक संरचना मतलब कि तारानुमा संरचना दिखाई देती है, जिससे आप सेंट्रोसोम या तारकाय कहते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सेंट्रोसोम की खोज की, कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी। चलिए सेंट्रोसोम की खोज की बात करते हैं। सेंट्रोसोम की खोज, ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज एडवर्ड वॉन बेनेडेन ने 1883 तथा 1888 में थियोडोर बावेरी ने इसे परिभाषित किया था। ठीक है गाइस, जो हमारे सेंट्रोसोम की खोज थी वो एडवर्ड वॉन बेनेडेन, ठीक है, ने की थी, लेकिन 1888 ईस्वी में थियोडोर बावेरी ने इसे परिभाषित किया था। ओके, तो इस तरीके से सेंट्रोसोम की खोज हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्या प्रोसेस है हमारा। देखिए, इसके जो हमारा सेंट्रोसोम होता है उसके जो एक भाग होता है उसे हम सेंट्रोस्पियर कहते हैं, ठीक है, और दूसरे भाग को हम सेंट्रोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोल। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, इसका ज्यादातर भाग टर्बुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? टर्बुलिन, ठीक है, देख लीजिए रेड कलर की हाइट लाइट है गाइस। तो इसका ज्यादातर भाग जो हमारा होता है बॉडी पार्ट, मतलब जो भी इसका भाग बना होता है वो टर्बुलिन से बना होता है। टर्बुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो टर्बुलिन नामक प्रोटीन से ये बना होता है, ठीक है। यह जंतु कोशिका, ठीक है, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है तथा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन इसकी संरचना कुछ पहिए के आकार की होती है और यह सीलिया की बनाने में सहायता करता है। ओके, तो गाइस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि जो हमारा मतलब सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, वो केवल किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उसके साथ साथ इसकी जो संरचना होती है वो कुछ पहिए के आकार की होती है, ठीक है, और यह सीलिया को बनाने में सहायता करती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम हमारा किस तरीके से दिखता है, ठीक है। देखिए, जो हमारा सेंट्रोसोम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पहिए के आकार का दिखता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक सेंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है, तो जो मतलब कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो पहिए के आकार का होता है, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बना होता है, ठीक है। ये सारे क्या है? तारकाय, इसे हम बोलते हैं तारकाय या सेंट्रोसोम, ठीक है। आपको मैंने एक चीज आगे बताया था कि सेंट्रोसोम जो हमारा होता है, ठीक, कि वो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ रियल केस में वनस्पति में केवल कुछ जैसे कवक और शैवाल में पाया जाता है, मतलब कि पादप कोशिका में कुछ रियल केस में, जैसे कि कवक और शैवाल, देख लीजिए ये दिया हुआ है, जैसे केवल कवक और शैवाल में ही क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। ओके, अब देखिए, सेंट्रोसोम जो हमारा होता है एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए बात करते हैं कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम का कार्य देख लीजिए, सेंट्रोसोम का जो हमारा कार्य होता है वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेकंड हमारा क्या है? कोशिका विभाजन के समय दो भागों में बंटकर स्प्लाइट के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब कि ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइस। तो मैं आपको सेंट्रोसोम के बारे में बता दी हूँ, ठीक है।
देखिए सेंट्रोसोम से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन इससे, जैसे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, सेंट्रोसोम को खोज किसने की थी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आकार क्या होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि इसमें मतलब कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, कौन से सेल में पाया जाता है, पादप सेल में पाया जाता है कि एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, और अगर पादप सेल में पाया भी जाता है, मतलब कि प्लांट सेल में अगर पाया भी जाता है तो किससे में पाया जाता है ना, जैसे कि आपको मैंने बताया था गाइस कि जो हमारा पादप सेल कुछ रियल केस में पाया जाता है, जैसे कि कवक और शैवाल, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में बताऊंगी। ओके थैंक।